आपण समस्तंको आम चैनल क्रिएटिव स्नाइडर स्वागत तेबे रुचि आपण पे न्यूज अपडेट 886 जहां आपण पाई पर आम चैनल माध्यम रे बहुत सारा एजुकेशन इन्फॉर्मेशन छडा आपण शेयर जो फास्ट बिट मु आरंभ करू छी आपणकर काली रो जो आपण जान छथि 23 तारीख दिन आपणकर हाई कोर्ट रो सुनानी थिला किंतु 23 तारीख रो हाई कोर्ट सुनानी अनफॉर्चूनेटली 24 तारीख को एक्सटेंड हो छी फिक्स हेनी हेले मु जणैबे आपणको चल 24 रे हे पारे कहीं मैंने सीनियर एडवोकेट विजन सर मैंने एक्सपायर कर जानते बार काउंसिल प्रेसिडेंट थे से काली आपर 23 तारीख दिन सेकेंड हाफ अर्थात दुटा पर जो हियरिंग जिते सब हियरिंग से सब पोस्टपोन कराई तो अर्थात आपंकर काली सी एस टी रिगार्डिंग जहाँ भी हियरिंग काली हबार ना ओके तो प्रथम तो आपको कही रखा चाहिए आज सब बड़ आपर अपडेट एएसओ रो एग्जाम डेट डिक्लेयर हो सारी एंड तीनो सिटिंग एग्जाम हम फर्स्ट जनरल अवेयरनेस सेकेंड टेस्ट रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स एंड थर्ड इंग्लिश एंड आपंकर जहाँ हूँ ओडिया एर एग्जाम हम एंड आपणकर जो एग्जाम अच्छी 21 अगस्ट अच्छी एग्जाम आप देखिपड़ आपंकर भेन्यू ऑफ एग्जाम सेंटर एंड आडमिशन सर्टिफिकेट अर्थात आपणकर जो रही आडमिट कार्ड टू बी डाउनलोड फ्रॉम बाय द कैंडिडेट विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमिशन ओपीएससी अवेलेबल हम आप डाउनलोड करेंगे खूब शीघ्र विदिन वन विक अवेलेबल हो तो देखुं नेक्स्ट रही ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी ओसेवा पर चिठी रही 20/6/2022 एंड समस्त डीओ मान चिठी रही आपणकर आपणकर जो चिठी आप देखिपड़ ऑनलाइन प्रोग्राम ऑन द गेम बेस्ड ऑर्गेनाइज्ड सीआईटी आपणकर देखिपड़ 20/6/2022 रु 24/6/2022 पर्यंत आपणकर जो वेबसाइट अच्छी एंड यूट्यूब चैनल अच्छी माने आपणकर प्री विद्या एबे अनअकाडमी नहीं आसी आपण मान फ्री टेस्ट कैलेंडर June 2022 जोटे कि ओपीएससी एग्जाम रही ओपीएससी एग्जाम रो अंडर आसुच्छे आपणकर June 12 दिन एएसओ एंड June 26 दिन ओसीएस जीएस स्कॉलरशिप टेस्ट आसुच्छे आपण जदि सीआईटी यूज करुछंती एंड एनरोल करुछंती आपण 10% डिस्काउंट मिळुछी जोटा कि आपणकर पेड रही एंड फ्री टेस्ट कैलेंडर आपणको पैसा देवा पडिबनी फ्री टेस्ट कैलेंडर आपण देखुछंती June 2022 रे रही ओडिशा टीचिंग एग्जाम June 12 दिन 11 समय रही आपणकर बीएड एंट्रान्स आर्ट्स एंड जून आपणकर 26 दिन रही बीएड एंट्रान्स साइंस एंड नेक्स्ट रही आपणकर फ्री टेस्ट कैलेंडर जो रही June 12 दिन सकाल 8 समय आपणकर आईबीपीएस पीओ प्रिलिम एंड June 26 दिन 8 समय ओसीएस एंड सीजीएल एग्जाम से भी आप एनरोल करेंगे जोटा कि एसएससी एंड बैंकिंग एग्जाम अंडर आसूसी एंड आप CIT10 कोड यूज करेंगे जोटी आप डिस्काउंट मिल पारे स्पेशल क्लासेस फीचर रही जोटा कि आप इंटराक्टिव क्लासेस रही आप लाइव क्लास अटेंड करेंगे एंड आप जहाँ डाउट्स अच्छे आप क्लीयर करेंगे आपणकर पोल सेक्शन क्लीयर कर जोटी आप पोल बेटर एक्सपीरियंस आपर नोटिफिकेशन आए जो आप कौन क्लास मिस करेंगे एंड आपणकर लेक्चर नोट्स आपको भी दीजिए जोटी आप जिते चाहिए जो जिन चाहिए रिभाइज करेंगे पढ़ी पारे एंड कौन समय कौन जगार डाउट्स अच्छे जहाँ भी अच्छे पचारे किसी आप असुविधा ना तो अनअकाडेमी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में अच्छी निश्चित भाव में जातु एंड एनरोल करूँ थैंक यू DSTV से आप देखिपर एंड नेक्स्ट रही डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नेक्स्ट रही डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आप देखते सब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर चिठी कराई एक्सेप्ट सुंदरगढ़ कंधमाल एंड केन्द्रापड़ा बलांगीर रेगुलाइजेशन ऑफ सर्विस ऑफ इनिशियल अपॉइंटिंग कॉन्ट्रैक्ट टीचर एंगेज एंगेज होती आप जानते बहुत सारा एंगेजमेंट 14 रेगुलाइज हो सारी 16 मसिया रिक्रुटमेंट प्रॉब्लम थी वर्तमान से रेगुलाइज प्रोसेस चली बहुत शीघ्र रेगुलाइज हो नेक्स्ट रही ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस रायगढ़ चिठी रही रिगार्डिंग टीजीटी स्केल टू पीईटी बीइंग बीपीएड क्वालिफिकेशन तो जो मान अच्छी बीपीएड क्वालिफिकेशन तो से कहीं डीएससी मागी आपर मानने सजेसन मागी प्रति डीओ मानक बारंबार मागी आम देखीचे तो बहुत सारा डीओ यदि सहमत जब प्रकाश करते आपणकर मिलित प्रेसर हूँ जिनस हो पारता किंतु पीईटी मानक टीजीटी सामिल नक टीजीटी भाई काम करवा यह मानने आसूसी एंड यहाँ निश्चित भाव में गोटे अन्याय आम कह चले सब बीओ को अनुरोध सब डीओ को अनुरोध जे कलाहांडर भी आप देखते लेटर आ सारी तो सपोर्ट करूँ मानने जमती भी हूँ टीजीटी मान्यता मिलू त
तो नेक्स्ट रही आप देख पार्टी आपंकर संवाद पक्षर मानने आज अपडेट रही बाटालीयन 633 पदवी को मंजूर कले मुख्यमंत्री रोम थी मंजूरी हो पड़ी तेणु फिसी में सब चली पार किसी असुविधा ना तो आप देख पार्टी एंड आज बड़ खबर बर्तमान तो आरंभ है बहुत शीघ्र आरंभ हो डिबेट एंड आज दिन 11 मुख्य शासन सचिव अध्यक्षतार जो मीट अनुष्ठित विजय मल्ल जोग देते निश्चित भाव में आपण सुब्रोहित परिहार जी रही कंट्राक्चुअल आस्पिरेंट कंट्राक्चुअल टीचर प्रेसिडेंट रही आज पोस्ट आप देख पार्टी जे पुणि थे मीट हे अपेक्षा करूँ एंड एच आर चुक्तिभित्तिक समय किसी कमार संभावना अच्छी कि आमको यह पूर्ण विलोप दरकार जहाँ हम तो 2023 मसीह डिक्लेरेशन सरकार चिंता कर आज मीट आपजास खोजुते तो मुझे ये कह विजय मल्ल सर आज भी अपडेट रही है जहाँ सरी कि कह आज मीट में किसी संपूर्ण फलवर्ती डिसीजन हो पारे 2023 मसीहा सुधा सरकार चिंता करे जो रही कंट्राक्चुअल पीरियड आप छनि वर्ष कमेपी मानते 6 वर्ष नुहे तीन रु 4 वर्ष रोक एंड तर आप एचआर दिज्व आपर से कंट्राक्चुअल पीरियड को मूल सर्विस गणाज यही कि प्रोपोजाल रही कि बर्तमान डिक्लेयर करना कि दाबी रही संपूर्ण उच्छेद देखा जाऊ कौन हो नेक्स्ट रही आपंकर अभियोग स्थिति बरणी एवं नेक्स्ट आप देखते असित दास द्वारा असित भाई द्वारा यहाँ कराइला जहाँ भल पदक्षेप भल से अड़े पेपर आर्टिकल जो रही 340 छात्र छात्री को 4 शिक्षक जो असुविधा द्वारा उपस्थापन कराइला यहाँ आप चिफ मिनिस्टर अफिस जाइला सीएम सेल रू यहाँ आपंकर फैसला भी हो एवं फैसला रिपोर्ट यह आसी आपण देख पार्टी खूब शीघ्र आपणकर 340 पे 3 जन शिक्षक अच्छा तेणु पाठपढ़ा गुरुत्व व्याघात होेणु यथाशीघ्र आठ आपणकर निजुक्ति दि जाऊँ निजुक्ति आपण मैंने भावुवे ये कौन नुआ पा निजुक्ति दिज्व मानने रिक्रुटमेंट कर गोटे स्कूल रिक्रुटमेंट संभव नुह आज्ञा ये कनसर्न बीओ को अर्डर हम एवं से आपण डेपुटेशन बेसीस आडजस्टमेंट करेंगे ठीक अच्छे एंड नेक्स्ट रही 70 वर्ष कि बारंबार आपड़ी एभली अभियोग पकाचन सीएम सेल तो निश्चित भाव में सरकार जो रिपोर्ट रारंबार आप निर्देश दिजिए स्कूल आडजस्ट कर के आडजस्ट करेंगे आज्ञा शिक्षक कौट आसवे और निश्चित भाव सरकार बाध्य है रिक्रुटमेंट प्रोसेस शीघ्र करने सरकार करुँ बर्तमान केवल बीओ मान खामखेलीपण आहरी पाखापाखि मानते 75-80 बीओ मैंने रिपोर्ट देना निजर 70 वर्ष पर स्कूल जब 6 पा शिक्षा मानचित्र स्थान पाइब आपणकर मानने थुआपाड़ी आप देख पार्टी निश्चित भाव गोटे भल खबर और स्थिति देख पार्टी घर स्थिति पिलांग स्थिति 23 रे विद्यालय गणशिक्षा विभाग मंत्री केन्सर ग्रस्त अर्थात आसंता काली जा तेरे केन्सर ग्रस्त कार्यक्रम जो रही 10:30 रु बाहर भुवनेश्वर आपणकर गोटे 30 रे केन्सर सर्किट हाउस पहुँचे यापर से मध्यान पर अपराह 3:30 आप विश्राम ने आपंकर डीएन हाईस्कल जिला शिक्षाधिकारी द्वारा आयोजित जिलास्तरीय प्रधान शिक्षक सम्मेलन जोगदेवार कार्यक्रम रही सेठू संध्या 5 समय सर्किट हाउस को प्रत्यावर्तन करोड़ा जी से टाटा स्टील गेस्ट हाउस रात्रि जापन कर कार्यक्रम रही तेणु जदि कहार अभियोग अच्छे आप डायरेक्ट देखा करेंगे और निश्चित भाव में देखा जाऊ कौन हो समस्या समाधान के दूर हो शिक्षार गणशिक्षा मंत्री द्वारा नेक्स्ट रही पुणी चर्चा राणीहाट हाईस्कल इनक्रिमेंट बंद हो शिक्षयत्री धारणा ये इनक्रिमेंट बंद हो जानते बहु चर्चित पिला जो एग्जाम दे पार ना एडमिट कार्ड ना कारण से बंद होता से नहीं बर्तमान आपणकर आसारी मानने डिरेक्शन डीओंर और बीएससी प्रेसीडेटर जहाँ फल इनक्रिमेंट बंद होने शिक्षयत्री जनक धारणा बस नेक्स्ट रही आपंकर 5 विद्यालय पशिला पा बहुत निम्नमान कार्य केवल रंग बल दिहि बास्तव में ठीक ठाक करना यह ही बड़ विड़म्बना जोपे कि समस्या देखा जाऊँ कि कहले शुणब किए केवल बिल 60 लाख करदे हेनी 60 लाख के कम हो देखा जाऊ 60 लाख 50% कम 50% बाट मारणा यह ही आम समस्त जाचे यह ही सत्य एवं आप देखते पाने पड़ा आपणकर मान जो अर्थ रही पाने पड़ी कहीं आपंकर बुढ़ी अंचल स्कूल निर्माण का स्वार्थ 100% बुढ़ी अंचल गोविंदपुर एवं स्कूल मरामती खर्च हो 36 लाख टंका सन्देह समन्वित आदिवासी उन्नयन संस्था बर्तमान अच्छी तो मानने जनसाधारण सरकार पाने पकाचा कि नुहे
ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ, ହାତଗୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ବେତ ମାଡ଼ର ଚିହ୍ନ, ପାପୁଲି ଫୁଲି ଯାଇଛି, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଅଟକ। ତ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଏ ଘଟଣା ସତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ, ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଆଜି ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏ ଘଟଣା ସତ ନ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ଦେବା ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହା ବି ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜକୁ ଏଭଳି ବଦନାମ କରାନଯାଉ। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ ଲେଟର ବି ଦେଖାଇଥିଲି। 2022-23 ବର୍ଷରେ କନିଷ୍ଠ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ସଂକଟ ଦେଖାଯାଇଛି। ସାର୍, ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆଶ୍ରୟଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର OAVS ସ୍ନାତକ ଆବେଦନ 27 ସରିବ, ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି, ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ନାଭି, ତିନୋଟି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ବାହାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାରଫୋର୍ସରୁ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ଅଗ୍ନିବୀର ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ 24 June ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ ଅପ୍ ଟୁ 5 July। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିନେବେ ଅଗ୍ନିବୀର ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି 2019 2005 ଭିତରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଅଦର ଦ୍ୟାନ୍ ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ବି ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏଣି ସବଜେକ୍ଟସ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 50% ଇଂଲିଶରେ ଥିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଭୋକେସନାଲ ଅଛି ବି ଇଂଲିଶ 50% ମଗାଯାଉଛି, ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବି 250 ଟଙ୍କା। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ 10th ବି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଇନ୍ ଅଲ୍ ଆର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିବୀର ଟେକ୍ନିକାଲ ରହିଛି। ଅଗ୍ନିବୀର ଟେକ୍ନିକାଲ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ମାନେ ଏକ୍ଜାମର ଆମୁଲେସନ ଏକ୍ଜାମରେ ରହିଛି, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋର୍ କିପର ପାଇଁ ବି ରହିଛି, ସବୁ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, 8th pass ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, class 8 pass ପାଇଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋରେ BEd ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ତ ଏଠି ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଟିଚରମାନଙ୍କ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଦାବିପତ୍ର ଦିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ତତ୍ପରତା ସହିତ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀନ ହେଉନାହାନ୍ତି ସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ପିଲା ନିଯୁକ୍ତି ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପେଶାଲ BEd ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧକାର ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି CWSN ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟ ବି ସରକାର ଏତେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି। ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିଠି ରହିଛି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେ ନେଇ ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି ପ୍ରତି BO ମାନଙ୍କୁ। ଆଇ ଏମ୍ ରେଡ୍ ଟୁ ରେଫରେନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ଏଭବ୍ ଆଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଇନକ୍ୱାୟାର ଦ ମ୍ୟାଟର, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଅଛି କେତେଟି ଅଛି ଏବଂ ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି। ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରୁଛି, ଆପଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିବେ। ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବାକୁ ନୂଆ ଆଇଷ୍ଟ୍ରୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।